हेलो गाइस, कैसे हो गाइस। आज की इस वीडियो में हम वीवो मोबाइल की फुल कैमरा सेटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। गाइस, अगर आपने इस वीडियो को आज शुरू से लेकर एंड तक देख लिया ना, तो आपको वीवो मोबाइल की सारी कैमरे की सेटिंग आ जाएंगी। तो गाइस, क्या है कैमरे की सेटिंग, उन्हें कैसे यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको कैमरा ऐप को ओपन कर लेना है और सबसे ऊपर सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रेशियो मिल जाते हैं। तो आप पहला सिलेक्ट है मेरा भी, और हम जैसे ही पहले का आप साइज़ देख सकते हैं, हम आपको पहले से हटा के दिखा देते हैं। तो आप पहले देख सकते हैं, जैसे हम पहले पर सिलेक्ट करते हैं तो साइज़ हमारा कितना है, और हम जैसे ही सेकंड पे सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारी फुल स्क्रीन में आ जाती है, और थर्ड पर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये थोड़ा ऊपर से भी क्रॉप है, थोड़ा नीचे से भी क्रॉप है। अगर हम फोर्थ पे सेलेक्ट करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो चुका है। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट वाला ही सेलेक्ट करके रखें, ये ही सही है। फिर आगे आपकी मर्ज़ी, आप जो भी सेलेक्ट करके रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सेटिंग बताएंगे, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट सेटिंग है टच। तो ये जो टच है वो तो आप सभी जानते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। और सेकंड है वॉइस, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई है नहीं फ़ोटो क्लिक करने के लिए, या आप सेल्फी क्लिक कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आप वॉइस सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद चीफ बोलेंगे तो आपकी फ़ोटो क्लिक कर लेगा। तो जैसे ही आप चीफ बोलेंगे तो आपकी फ़ोटो क्लिक कर लेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे है तो हम इसे हटा देंगे। तो थर्ड नंबर पर है प्लेम। तो गाइस, ये सेटिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें कुछ भी टच नहीं करना पड़ता है। तो जैसे ही आप इसमें हाथ कर देंगे, मतलब आप फोटो क्लिक कर रहे हैं या कहीं आप दूर खड़े हैं, तो आप ऐसे हाथ बस हिला देंगे और कैमरा आपकी फ़ोटो को क्लिक कर लेगा, बिना इस पर क्लिक किए हुए, बिना बोले। बस आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, तो आपने बस ऐसे हाथ कर दिया कैमरे के सामने और कैमरा ऑटोमेटिक आपकी फ़ोटो कैप्चर कर लेगा। तो गाइस, आपको ये भी सेटिंग पता चल गई, तो ये तो नॉर्मल है। यहाँ पे थर्ड सेटिंग है फ़ोन स्टोरेज, तो फ़ोन SD कार्ड। तो गाइस, जैसे आप फ़ोन पे सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो फ़ोटो है फ़ोन के स्टोरेज में सेव होंगी, SD कार्ड में सेव होंगी, अगर आपका SD कार्ड इसमें इंसर्ट होगा। तो उसके बाद ये वाटरमार्क वाली सेटिंग है, तो कैमरा क्लोज हो चुका है तो हम इसे, उसके बाद वाटरमार्क, तो आप देख सकते हैं ये जो वाटरमार्क होता है, एक तो होता है टाइम वाटरमार्क, एक होता है मॉडल वाटरमार्क। तो ये टाइम वाटरमार्क वो होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक फ़ोटो क्लिक की तो आज डेट कितनी है, टाइम कितनी है, वो आपकी फ़ोटो के नीचे लिखकर आ जाती है। और मॉडल वाटरमार्क मतलब आपका किस कंपनी का मोबाइल है, उसका मॉडल फ़ोटो क्लिक करेंगे उसके कोने में लिखकर आ जाएगा। पर मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ, क्योंकि फ़ोटो के नीचे टाइम आ जाए और मोबाइल का मॉडल नेम लिख के आ जाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हम एक फ़ोटो क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। तो इसको हम देख सकते हैं, टाइम वाटरमार्क और मॉडल वाटरमार्क हमने दोनों क्लिक करके मतलब ऑन करके रखे हैं। उसके बाद हम एक फ़ोटो क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इसे ओपन करके दिखाएंगे। तो देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सूट ऑन वीवो Y11 वीवो AI कैमरा। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखी हुई आ चुकी है कि आज की डेट कितनी है। उसके बाद तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम फोटो क्लिक करें तो ये ऐसा कुछ भी लिखा हुआ ना आए, तो आपको इन्हें बंद कर देना है। तो ये जो दिख रहे हैं टाइम वाटरमार्क, इन्हें आपको बंद कर देना है, दोनों को बंद कर देना है। उसके बाद आपको देख सकते हैं साउंड मिलता है, तो आप यहाँ से साउंड हटाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप अभी फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आवाज़ होती है किचिक, तो अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो आपको इसे बंद कर देना। अब उसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज़ नहीं होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आवाज़ साउंड सेटिंग है, अगर आप इसे ऑन रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन की सेटिंग मिल जाती है,
तो गाइस ये लोकेशन सेटिंग क्या है, तो जैसे ही आप इसे ऑन कर देंगे तो आपकी जो लोकेशन है, आप कहीं पर भी फोटो को क्लिक करेंगे तो आपकी लोकेशन आपकी फोटो के अंदर टैग हो जाएगी, तो कोई भी आसानी से पता लगा सकता है इस फोटो को कहाँ पे क्लिक किया है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक कर इसे चालू कर देंगे, तो कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपकी ये सेटिंग चालू होगी, चालू होती है और आप फोटो क्लिक करते हैं या आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फोटो पोस्ट करते हैं, तो आपकी ऑटोमेटिक लोकेशन जो है सेट हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये जो फोटो है किस लोकेशन में क्लिक की गई है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो लोकेशन है फोटो में सेट हो जाए, कि ये मतलब चाहते हैं कि ये फोटो कहाँ पर क्लिक की गई है किस लोकेशन में, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हम एक फोटो क्लिक करते हैं, तो हम फोटो को देखेंगे, तो हम फोटो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो ऊपर आई बटन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे हम आई बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल की जो फोटो हमने क्लिक की थी उसकी लोकेशन भी आ चुकी है और हमने उसकी डिटेल भी आ चुकी है और लोकेशन भी आ चुकी है, तो हमने इसे हाइड कर दिया है। तो ये सेटिंग बहुत ही अच्छी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेटिंग की मिलती है मतलब फ्लेमिंग लाइन। तो ये सेटिंग क्या है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपने कई बार देखा होगा कि आप फोटो क्लिक करते हैं तो आप फोटो क्लिक करते हैं थोड़ी ब्लर सी आती मतलब दिखती है, तो जैसे आप स्क्रीन पर अंगली टैप कर देते हैं तो वहाँ पे एकदम फोकस कर लेता है और वहाँ पे एकदम फोटो जो है क्लियर दिखाई देती है। तो ये जो फ्लेमिंग लाइन है बस ठीक वैसे ही काम करती है। जब आप इसे ऑन करके फोटो क्लिक करेंगे तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसमें जो है फोटो है बहुत ही अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी अगर आप फ्लेमिंग लाइन को ऑन करके फोटो को क्लिक करेंगे। तो आप जैसे आप इसे ऑन कर देंगे उसके बाद फोटो क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो जो है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी बढ़ जाएगी। तो गाइस आपको पता चल गया है वीवो की सारी सेटिंग्स के बारे में। तो गाइस हमने आपको सारी की सारी सेटिंग्स बता दी हैं वीवो मोबाइल की। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Thank you.